संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा संविधान आपातकाल पर विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई। संस्कार भारती काशी महानगर द्वारा विश्व संवाद केंद्र काशी लंका में संविधान आपातकाल विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर विवेक पाठक ने अपने वक्तव्य में कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बार संविधान संशोधन करके अपने विशेषाधिकारों को बढ़ाते हुए देश पर अघोषित आपातकाल लगा दिया। उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका को अपने अधीन कर समूचे विपक्ष को जेल में डाल दिया था। आज आपातकाल के 49 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिन लोगों ने वह काल भोगा था उनकी आत्मा कांप उठती है। इसलिए भावी पीढ़ी को आपातकाल का इतिहास जानना आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. विष्णु देव तिवारी ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्कार भारती के प्रांत संगठन मंत्री दीपक शर्मा, महामंत्री प्रमोद पाठक, संरक्षक डॉ. आरवी शर्मा, उपाध्यक्ष संजय सिंह, डॉ. प्रेम नारायण सिंह, सुनील द्विवेदी, सुधीर पांडे, विश्व संवाद केंद्र काशी प्रमुख राघवेंद्र, अमित, रणवीर आदि उपस्थित रहे। आज देखिए, आज से 49 साल पहले 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर जो आपातकाल लगाया था और असंवैधानिक तरीके से संविधान का मखौल उड़ा करके और देश की जनता और प्रेस को और पूरे विपक्ष को जेल में भर दिया था, तो उसके 49 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो लेकिन उस समय का जो दंश था वो आज तक जनता भूल नहीं पाई है। नो वकील, नो दलील, नो अपील की तर्ज पर देश की राह देश को पूरे अंधकार में कर दिया गया था। और आज विपक्ष के लोग कहते हैं संविधान बचाओ, तो जब संविधान बचाने के लिए और दुनिया भर के मतलब तमाम हथकंडे अपना करके और चुने हुए प्रधानमंत्री पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो फिर संविधान कहाँ खतरे में है। तो इसीलिए आज रखा गया है कि क्या आपातकाल के समय संविधान सुरक्षित था या फिर संविधान कब कब असुरक्षित हुआ है, जिस पे एक संगोष्ठी करने का ये प्रस्तावना की गई। और सबसे बड़ी बात कि विश्व संवाद केंद्र काशी में आज पहली बार आपातकाल पर कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। आज कितने लोग आएंगे? संख्या के हिसाब से तो मैं लगता है कि 100 की संख्या बल दिया गया है। मुख्य वक्ता मुख्य वक्ता प्रोफेसर विवेक पाठक जी हैं, लॉ के प्रोफेसर हैं, और अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर बी डी तिवारी जी, जो आकाश इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं।